देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित नौ तिथि, नौ नक्षत्र, नौ शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दुर्गा पूजा के लिए शारदीय नवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के सभी नौ दिन बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान की जाने वाली देवी की पूजा से शक्ति, ज्ञान, आनंद, सुख, समृद्धि, संतोष, प्रसिद्धि, मान सम्मान, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि देवी भगवती की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। नवरात्रि पर्व घर घर में मनाने के साथ ही सार्वजनिक रूप से भी उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। इंदौर के पास देवास स्थित चामुंडा माता मंदिर पर बड़ी संख्या में दूर दूर से भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। अधिकांश भक्तजन निरंजनपुर चौराहा होते हुए देवास नाके से देवास के लिए गुजरते हैं। नवरात्रि में बड़ी संख्या में भक्तजन व्रत उपवास रखते हैं, ऐसे में वे फलाहार का ही सेवन करते हैं। ऐसे सभी भक्तों एवं आम भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि में महाअष्टमी के पावन अवसर पर समाज सेवी एवं भाजपा से जुड़े हुए युवा नेता श्री सुरेंद्र पाल द्वारा विधायक श्री रमेश मेंदोला की प्रेरणा से निरंजनपुर चौराहा खालसा चौक पर फलाहारी खिचड़ी प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी भक्तों को खिचड़ी प्रसाद वितरण करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए मतदान में भी शहर को नंबर वन बनाने की अपील की गई। बड़ी संख्या में युवा जन खिचड़ी प्रसाद वितरण में सहभागी बने। रविवार को युवा तरुणाई सुरेंद्र पाल मित्र मंडल की अगुवाई में लगभग 3 क्विंटल फलाहारी, साबुदाने एवं सूखे मेवों से मिश्रित खिचड़ी प्रसाद का वितरण भक्तों के बीच किया गया। इस अवसर पर नगर निगम सभापति मुन्नालाल यादव, MIC सदस्य राजेंद्र राठौर, पार्षद सीमा संजय चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज ये जो पवित्र नदी का विसर्जन हो रहा है, ये हमारे भाई सुरेंद्र पाल मित्र मंडल द्वारा दयालु रमेश मार्गदर्शन में हो रहा है। आदरणीय सभापति मुन्नालाल जी यादव, क्षेत्रीय पार्षद उपस्थित होंगे। का पर्व है और अष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व को देखते हुए यहाँ से श्रद्धालु निकलते हैं। यह देखते हुए फरियाल का वितरण रखा गया है और बहुत आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हमेशा देखा गया कि सप्तमी, नवमी, अष्टमी, नवमी को लोग जो है फलाहारी उपासी करते हैं और यहाँ से बड़ी संख्या में भक्त देवास के लिए भी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, आपने व्यवस्था की? मैं यह कहना चाहूँगा कि अष्टमी पे ऐसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये लोगों की यानी भक्तों की सेवा के लिए देखा जाए तो सब लोगों को करना चाहिए। ये आयोजन किया गया, ये हमारे भाई सुरेंद्र पाल द्वारा किया गया और इन्होंने आज करीब 3 क्विंटल साबुदाने की खिचड़ी वितरित की है, जो कि यहाँ से पैदल निकलते हैं श्रद्धालु। इनको देखते हुए भाई सुरेंद्र पाल ने ये खिचड़ी का आयोजन किया और सभी ने इसको भरपूर लाभ लिया। सभी माता बहनों, बड़ी संख्या में, हाँ, बड़ी संख्या में युवा लोग आ रहे हैं, माता बहनें सभी आ रहे हैं, सभी लाभ ले रहे हैं और हमारे सुरेंद्र भाई ऐसे धार्मिक आयोजन हमेशा करते रहे और करते रहेंगे। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।